रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली सदक लजीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज बिजनेस मैथ। माय नेम इज़ सर ताहिर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया गया। बट आज हम बिजनेस मैथ को डिस्कस करेंगे, उसका जो थर्ड चैप्टर है जिसका नेम है हमारे पास सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक हो गया। उसमें से आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 3.9 से लेकर 3.12 तक, उसका 3.9 क्वेश्चन अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, फाइंड द रेट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट इज़ ₹21,540 फॉर ईयर, यानी जो ईयर बताया गया फोर ईयर नाइन मंथ और इज़ ₹5,000। बेटा इसके अंदर हमें जो उसने बताया सिंपल इंटरेस्ट बताया कि सिंपल इंटरेस्ट 5,000 आपके पास जो प्रिंसिपल आपके पास है अमाउंट्स है, ठीक है, वो आपके पास बेटा है ₹21,540। टाइम पीरियड बेटा उसने बताया हुआ है कि चार ईयर है और नाइन मंथ है। इसको हम कैलकुलेशन इंशाल्लाह करेंगे, कैसे इसके निकालते हैं, रेशो में आंसर आएगा या जैसे भी आए इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा मालूम करने, ये था क्वेश्चन। मैं चलता हूँ जी, जो बुक है ना बेटा, मैंने यहाँ से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये आईकम पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है जी, ये राइटर नेम है जी, इनकी बुक लिखी हुई आईकम के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है, वहाँ से ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है जी, चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ 3.9। ओके जी, जो गिवन है बेटा वो लिखूंगा पहले। गिवन में मेरे पास सबसे पहले उसने सिंपल इंटरेस्ट बता दिया, सिंपल इंटरेस्ट, और आई से इसको करते हैं जी, और इसकी जो वैल्यू है ₹5,000। आगे आपके पास प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि पी हो गया, वो रुपीस बेटा दिया हुआ है 21,540। ओके, और टाइम की बात करें जो उन्होंने हमें गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर फोर ईयर एंड नाइन मंथ, और इसको कैलकुलेट करूँ मैं, फोर का फोर नाइन है तो ईयर कितने होते हैं बेटा टोटल पूरे साल के अंदर 12 होते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे 3 3 4 तो आपके पास आंसर आएगा 4 3 होल बाय 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 3 ऐड करेंगे बेटा ये हो जाएगा 19 बाय 4। ये आपके पास किसकी आ गई, टाइम आ जाएगा 19 बाय 4। ओके, आगे जो हमें उसने क्या रिक्वायर है कि ये चीज़ आपने मालूम करनी है बेटा, वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि रेट आर मालूम करना जी। अब यूजिंग फार्मूला की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये मैंने काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के करवाए हुए हैं आपको, क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता माशाल्लाह, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, तो उसको आपको पता होगा फार्मूला क्या है, आपको याद होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे यूजिंग फार्मूला बेटा। अब यूजिंग फार्मूला लगाना है कि हमने आर मालूम करना है, आर इक्वल है आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पे पी मल्टीप्लाई बाय टी। अब मैं डाटा पुट करेंगे, आई की वैल्यू जो है आपके पास है सिंपल इंटरेस्ट है वो आपके पास आ जाएगा, आर है ये 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू यहाँ पे लिखी 21, 540 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 19 बाय 4। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेना, यहाँ पे 4 डिवाइड अप हो जाए क्या होगा मल्टीप्लाई, आर इक्वल है 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 21 540 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 4। अब करते हैं जी इसको कैलकुलेशन, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लिख देते हैं यहाँ पे, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो यह हमारे पास जो आंसर आएगा आर इक्वल है 9.86%। ठीक है, आपने सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, जो दोनों का आंसर आएगा उसको हमने डिवीजन कर लेनी है, तो 9.86 जो आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 8.9। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया 3.9 आपको समझ आई होगी। ठीक है जी, अब चलते हैं 3.10 क्वेश्चन की तरफ। 3.10 क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें कहता है एट
व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बताना है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। वुड बी सम ऑफ द मनी, जब आपने इनकम को जमा करवाया, सम जमा किया, बिकम वन एंड द हाफ इन 10 ईयर, यानी कि एक साल, यानी कि जो वन एंड हाफ ईयर, यानी कि 10 ईयर के अंदर आपने कितने जो है इनकम को, जो मनी आपके पास है, अमाउंट है, उसको सम किया। तो बेटा इसके अंदर हमें सिंपल इंटरेस्ट सिंपल देखना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट पहले करना है, फिर उसके बाद फर्दर जो चीज़ें मेनी चीज़ मालूम नहीं होगी तो हमें इसको आस्ते आस्ते हम इसको फाइंड करते रहेंगे। इसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ वन एंड 10 हाफ एंड 10 ईयर लिखा हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम सपोज करेंगे सम जो वैल्यू की है वो 100 रुपीज की है, ठीक है जी। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ, 3.9 क्वेश्चन जी, 3.9 क्वेश्चन है आपके पास, 9 हो चुका है। इसके अंदर आगे पास जो करेंगे सपोज, क्योंकि हमें ना कोई सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, ना अमाउंट दी गई है, ना प्रिंसिपल दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया, हमने अब कैलकुलेट करना है। ये होगा सपोज सम, आपने फर्ज किया कि 100 रुपीज़ जो है ना वो हमने सम किया, ठीक है। फिर क्वेश्चन के मुताबिक कहता है वन एंड हाफ, यानी कि लिख देंगे वन एंड हाफ इटसेल्फ, ठीक है जी, अमाउंट्स। अब देखें जी वन क्या हो गया, यानी कि पहले एक अमाउंट 100 हो जाएगी, अब 100 का जो बेटा हाफ होएगा वो क्या हो जाएगा 50, तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं 150 रुपीज़, 150 या आपके पास क्या हो गया अमाउंट, ठीक हो गया। अब इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक हो गया, हम यही कर रहे हैं ना सिंपल इंटरेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा, ओके। अब इसके अंदर हमने जब सिंपल इंटरेस्ट बेटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट, डन हो गया, इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो उसको क्या करेंगे कि आपके पास ये जो अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट माइनस आपके पास क्या होता है प्रिंसिपल, यानी कि इसमें से ये जो 150 आया, यानी कि आई कीमत क्या हो जाएगी 150 माइनस करेंगे किस में से प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा अमाउंट, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। इसको सम करेंगे बेटा, आई की वैल्यू जो आपके पास कितनी आ जाएगी 50, डन हो गया। अब आपने जो फाइंड करना है बेटा वो आपने रेट भी उसने दिया और टाइम मालूम करना है, ठीक है जी। जो रेट है उसने रेट कैलकुलेट कर दिया हुआ है 6%, और आपने बेटा क्या मालूम करना है टाइम मालूम करना है। अब फार्मूला बेटा वही है जो मैंने पहले आपको करके दी है, ये होगा, मैं लिख देता हूँ पहले फार्मूला, यूजिंग फार्मूला, क्योंकि मैं उसी को फार्मूले को आगे बेस बना लेता हूँ, आपके इश्यू ना हो। फार्मूला था आर इक्वल है आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय टी। अब बेटा टी मालूम करें, टी यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड, जब ये मल्टीप्लाई से होगा या यहाँ पे क्या होगा डिवाइड, तो हम उल्ट कर देंगे इसको, रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी करेंगे इसको, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे एल और आर, और एल मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या होगा डिवाइड, ठीक हो गया। बरा लिखते हैं जी, टी इक्वल है आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय बेटा आर, ठीक हो गया। अब वैल्यू पुट करूंगा, टी तो हमने फाइंड करना है, आई की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या दी है 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू कितनी है प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास यहाँ पे 100 है, मल्टीप्लाई रेट बेटा कितना है 6% है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास जो आंसर आएगा टी की जो टाइम हो जाएगा वो 5, ठीक है जी। कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा 2.10 है जी, इसका आंसर क्या आएगा 5%, सॉरी इसका आंसर जो आएगा, ठीक हो गया, इसका आंसर 5% आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये टाइम क्या है जी, ये 5 है आपके पास टाइम। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ आई, कोई चीज़ नहीं थी, पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया गया था तो हम कैलकुलेट करने के लिए
सपोज सम को किया कि हमने इसको सम करना है, वो हमने लिखा 100 वैल्यू, ठीक हो गया, सपोज किया, फर्ज किया हमने, उसके बाद लिखा 1.5 लिखा हुआ बेटा, 1 हमने ले ली, 100 ले ली, तो 100 प्लस हाफ 100 का क्या होगा 50, इनको सम किया, ये आपका क्या क्या आ गया अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, ये अमाउंट। तो हमने फिर सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट कितनी है जी, 150 है, माइनस करेंगे 100 पे से तो यह कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर रेट आपको पता होगा 6% बेटा, और उसके बाद जो टाइम है वो आपके पास टी हमें गिवन, हमें फाइंड नहीं है तो हमने इसको फाइंड करना है। तो आपने लगाया फार्मूला, पुटिंग की, और इजी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगी। अब चलते हैं जी अपना 11 क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन में क्या कहता है जी, रेज कर देते हैं ये क्वेश्चन, उसके बाद 11 क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। 11 क्वेश्चन के अंदर कहता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹1000 अमाउंट ₹11,080 एट द रेट, यानी कि जो आपके पास रेट है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। वो कहता है कि आपके पास हाउ लॉन्ग द विल बी टेक, कितने आपने हासिल किए, ठीक है, जो हमारे पास जो गिवन है 1000 रुपया आपके पास अमाउंट है बेटा, और सिंपल इंटरेस्ट है 11,080, यानी कि उसके बाद जो आपके पास रेट दिया गया आर यानी कि 6%, और आपने जो पर एनम की सिंपल इंटरेस्ट आपने बता देना है, वो हम निकाल लेंगे, और इसके अंदर जो हमने फाइंड करना है बेटा वो टाइम फाइंड करना है जी, ठीक हो गया जी। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जो गिवन है बेटा वो लिखता हूँ, 3.11 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें जो हमें मालूम है वो है हमारे पास जो अमाउंट है जी, अमाउंट पढ़ लेता हूँ गिवन, ठीक है, अमाउंट यहाँ पे जो मुझे दी गई है वैल्यू, ए से दायर करूँगा, इक्वल है 150, ठीक हो गया, और प्रिंसिपल है पी है बेटा वो आपके पास कितना है 1000, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आई निकालना है बेटा। तो इसके अंदर जो फार्मूला लगेगा आप आई नहीं सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा, आई का फार्मूला आप लगाएंगे जैसे कि पहले क्वेश्चन में लगाया हुआ है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आप कितना जी 1180, सॉरी ये 5 नहीं है 8 है, ठीक हो गया, माइनस करेंगे 1000, लेस करेंगे 180, आपके पास क्या आ जाएगी आई की कीमत, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और आगे जो उसने टाइम दिया गया है बेटा, वो रेट दिया गया, सॉरी रेट जो दिया गया है वो 6% आर इक्वल है 6%, टाइम है क्वेश्चन मार्क, यूजिंग फार्मूला, वही फार्मूला जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था बेटा, टी इक्वल है आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय आर, पुट करेंगे वैल्यू, आई की वैल्यू आपके पास यहाँ निकली है 180 मल्टीप्लाई बाय 100, पी की वैल्यू आपके पास है 1000, और रेट की वैल्यू है 6, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 6 इससे काट दें जो भी करें, तो 22 से कट गया, 11 से कट गया, 18 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको डिवाइड करेंगे जी टाइम आपके पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करके आंसर जो आएगा 3 ईयर। आपने ये कैलकुलेट कर लिया, जो चीज़ गिवन थी वो लिखते रहे आप, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट वही लास्ट क्वेश्चन की तरह आपने इसको निकाला, ठीक है, फाइंड किया आप कैसे निकालते हैं अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल, उसके बाद रेट दिया, लगाया फार्मूला, तो उसमें पुटिंग की और आंसर निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन जी इस लेक्चर का, इन हाउ मैनी ईयर वुड अ सम लेंट एट 8% बी डबल। वो कहता है कि आपके पास जो कितने ईयर उसने काम गए, इन टाइम हमें नहीं पता, ठीक है जी, और उसके बाद बेटा उसने बताया सम ऑफ लेंट 5%,
उसने जो रेट बताया 5% है वो उसने बताया कि डबल है, जिस चीज़ की है वो डबल है, यानी कि हमने सपोज करना था सम, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने जो किया था 3.10, इसी तरह क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सर पहले सपोज द सम 100 कर देंगे बेटा, तो उसके बाद अमाउंट होगा उसके बाद डबल हो जाएगा, अमाउंट वैल्यू होगी 200, यानी कि अगर अमाउंट है इसकी वैल्यू जो पहली द सम सपोज द सम नंबर है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1000 है, तो जो सिंपल वो जो आपके पास अमाउंट होगी वो 200, क्योंकि डबल उसने कहा हुआ है, तो इसको डबल करेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर रेट लिखेंगे, फिर टाइम हमें मालूम नहीं है उसका लगाएंगे फार्मूला, तो सिंपल कर लेंगे इसको, फुटिंग करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं जी लास्ट क्वेश्चन, गिवन जो है वो लिख देता हूँ, हमने एक सपोज करना है बेटा, सपोज सम ऑफ नंबर है या पे हम कह सकते हैं इसको सपोज द सम, ठीक है जी, इसको ए कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है जी, और ये जो रुपीज़ है बेटा हमने सपोज किया है वो 100, ठीक है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है जी, इक्वल है 200, ठीक हो गया, ओके। अब आगे क्या करना है आपने, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बेटा, क्योंकि हमने डबल पढ़ा हुआ ना, जो आपके सम वैल्यू उसके डबल होगा, वो 100 है तो उसका 200 हो जाएगा, ओके, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला बेटा बताते हैं आपको, अमाउंट माइनस क्या होता है वो वैल्यू, तो आप क्या करें 200 माइनस 100 करेंगे तो इंटरेस्ट कितना बेटा आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा, ठीक है जी, फार्मूला मैंने बता दिया, मैंने डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर दिया, ओके जी। अब रेट बेटा उसने जो हमें कैलकुलेट करना है, जो हमें बताया गया है, तो और टाइम जो हमने कैलकुलेट करना है यूजिंग फार्मूला, ओके जी। अब रेट देख लेते हैं जी, रेट आपके पास है 8%, रेट आपके पास 8%, ठीक हो गया, यहाँ पर ये आपके पास अमाउंट है, ठीक है, सॉरी ये अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है क्या। अब लगाते फार्मूला, टी इक्वल है वही फार्मूला जो पहले लगाया था टाइम निकालने के लिए, आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय आर, टी का टी आ जाएगा, आई की वैल्यू आपके पास जो होगा वो होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू, यहाँ पे आपके पास जो है वो भी 100 है, ठीक है, मल्टीप्लाई आपके पास जो वैल्यू बची आर इसकी, ये वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करें, इससे इसको आट देंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास बाय होल में आ रही है, बल मैं कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको कर लेता हूँ 4 पे करता हूँ, 4 2s are, ठीक हो गया, 4 2s are 8 हो गया, 4 2s are 4 5s are, ठीक हो गया, ये हो गया t इक्वल है 25 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड कर लेता हूँ 25 डिवाइडेड बाय 2 2s are 2 हो जाएगा, और ये 5 2 2s are 4 and 1, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ t इक्वल है जिससे डिवाइड किया यहाँ पे, ये जो रिमाइंडर है बेटा यहाँ, और ये क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी, ये है ईयर्स, इतना ईयर लगे जी, उसने होल में लिखे हैं तो मैंने भी होल में लिख दिया। उम्मीद है बेटा ये जो क्वेश्चन आपके सामने की है 3.12 आपको समझ आई होगी, अल्लाह करम फजल से बेटा मेरा चैप्टर जो है, जो कंसेप्ट था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट जो लेक्चर मैं बनाऊंगा इस मैथ का, वो होगा इंशाल्लाह कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, इंशाल्लाह ब्रीफली इसको डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।